कर्ण के पांच सच जो हमसे छिपाए हुए हैं। जी हाँ दोस्तों, जो कर्ण को पसंद नहीं करते हैं वो सच छिपाने के लिए झूठ फैलाते हैं। वे कहते हैं कर्ण सिर्फ अर्धर्दी था। पितामह भीष्म भी कर्ण के बारे में ऐसे ही कहते थे। भीष्म कर्ण के बारे में ये भी बोले थे कि कर्ण शस्त्र विद्या में पांडवों के एक चौथे भी नहीं थे। लेकिन ये सब बिल्कुल झूठ दिखावा था, क्योंकि खुद पितामह भीष्म कर्ण को युद्ध में अर्जुन और श्री कृष्ण के समान मानते थे। जब पितामह वानशैया पर थे तब उन्होंने असली सच बताया था। तो सवाल ये उठ सकता है, अगर पितामह कर्ण को युद्ध में अर्जुन और श्री कृष्ण के समान मानते थे तो वो कर्ण को क्यों अर्धर्दी बताते थे? वो क्यों ये बोले थे कि कर्ण शस्त्र ज्ञान में पांडवों के एक चौथे भी नहीं थे? इसका कारण ये है कि पितामह भीष्म कर्ण की उस सच्चाई को जानते थे कि वो कुंती पुत्र है, पांडवों के ज्येष्ठ भाई है। लेकिन कर्ण पांडवों से द्वेष करते थे, इसलिए कर्ण के तेज को घटाने के लिए पितामह कर्ण के बारे में कठोर वचन बोला करते थे। अगर युद्ध के शुरुआत में पितामह कर्ण को अर्धर्दी नहीं बोलते, अगर कर्ण क्रोधित होकर युद्ध छोड़कर नहीं चले जाते तो वो कुरुक्षेत्र युद्ध का रुख बदल सकते थे और युद्ध का नतीजा कुछ और होता। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कर्ण ने द्रौपदी को ठुकरा दिया था? द्रौपदी स्वयंवर में द्रौपदी ने कहा था, मैं सुत पुत्र से विवाह नहीं करूंगी, ये बात सबको पता है। लेकिन एक ऐसा भी समय आया था जब कर्ण ने द्रौपदी को ठुकरा दिया था। कुरुक्षेत्र के युद्ध से पहले भगवान श्री कृष्ण जानते थे कि कर्ण युद्ध का रुख पलट सकता है, इसीलिए वह रात को कर्ण से मिलने गए थे और उन्होंने कर्ण को उसकी असली पहचान बताई थी। श्री कृष्ण ने कर्ण को पांडव पक्ष में आने के लिए बोला था। इसके बदले में ये भी कहा था कि युद्ध जीतने के बाद ज्येष्ठ पांडव होने के नाते वो ही पृथ्वी के सम्राट बनेंगे, ऐसा श्री कृष्ण ने कहा था। श्री कृष्ण ने ये भी कहा था, पांडवों के साथ हो जाने पर वो ज्येष्ठ पांडव कहलाएंगे और तब द्रौपदी उनसे भी विवाह करेगी। लेकिन कर्ण ने भगवान श्री कृष्ण के प्रस्ताव को ठुकरा दिया था। कर्ण दुर्योधन से विश्वासघात करके पूरे पृथ्वी का सम्राट नहीं बनना चाहते थे। अपने सुत परिवार को छोड़कर रातों रात कुंती पुत्र कहलाना नहीं चाहते थे। वो इतने लालची नहीं थे। उसने बोला था कि मैं दुर्योधन का विश्वासघात नहीं कर सकता, चाहे इसके लिए मुझे मेरे प्राण क्यों न गंवाने पड़े। ऐसा निष्ठावान था। कर्ण जहरीले नाक की मदद से अर्जुन को मारना चाहता था। कर्ण के बारे में कई जगह एक झूठ फैलाया जा रहा है कि कर्ण ने युद्ध का नियम भंग करते हुए अर्जुन को मारने के लिए अश्वसेन नाग को अपने बाण पर बैठने के लिए बोला था। ये बात बिल्कुल झूठ है। महाभारत में लिखा है, खांडव वन युद्ध के समय अर्जुन के हाथों अश्वसेन नाग की माता का वध हो गया था और उसका प्रतिशोध लेने के लिए वो नाग जब कर्ण अर्जुन के सामने युद्ध करने आए तब कर्ण के तिमिर में अपने आप ही बैठ गया था। कर्ण ने जब ये बाण छोड़ा था तब कर्ण को बिल्कुल भी पता नहीं था कि वो बाण नहीं एक भयंकर विषधर अश्वसेन नाग है। हालांकि उस बाण से भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन की रक्षा की थी और वो बाण अर्जुन के मुकुट को जाकर लगा था, जिससे अर्जुन का मुकुट जलकर भस्म हो गया था। कर्ण का वो बाण विफल हो गया तब उस नाग ने कर्ण से प्रार्थना की थी कि तुम मुझे एक बार फिर अपने बाण पर बैठाकर फिर से उसको अर्जुन की ओर छोड़ दो। तब कर्ण ने उस अश्वसेन नाग को मना कर दिया था और बोला था कि मैं कभी भी दूसरे की ताकत से युद्ध में अर्जुन को मारकर जीतना नहीं चाहता, भले ही इसके लिए मेरे प्राण क्यों ना चले जाए। ऐसा कहकर आगे कहा था कि मेरे पास और भी उत्तम बाण है जिससे मैं अर्जुन का वध करूंगा। ऐसे कभी कर्ण ने कोई छल नहीं किया था। आप चाहे तो महाभारत उठाकर देख सकते हैं, ये बात बिल्कुल सही है। श्री कृष्ण भी मानते थे कर्ण के बल को। जो कर्ण को कमजोर समझते हैं वो ये जरूर देखे, महाभारत के युद्ध में घटोत्कच पे वास्वी शक्ति अस्त्र नष्ट होने के बाद श्री कृष्ण खुश होकर अर्जुन को कहते हैं, जैसे युद्ध में कार्तिकेय के सामने कोई भी खड़ा नहीं हो सकता था, वैसे ही शक्ति अस्त्र के सामने भी इस दुनिया में कोई भी खड़ा नहीं हो सकता था। अगर कर्ण कवच कुंडल के साथ लड़ने आता तो वो तीन लोगों को जीत लेता, इंद्र, वरुण, कुबेर और स्वयं यमराज भी उसके सामने खड़ा नहीं हो सकते थे। अगर कवच कुंडल और शक्ति अस्त्र के साथ कर्ण युद्ध करने आता तो अपना गांडीव और मैं अपना सुदर्शन चक्र उठाकर भी उसे हरा नहीं पाते। लेकिन इंद्रदेव ने तेरे हित के लिए माया रचकर कर्ण का कवच और कुंडल ले लिए थे और आज उसका वास्वी शक्ति अस्त्र भी नष्ट हो गया। जब तक कर्ण के पास वास्वी शक्ति अस्त्र था वो तुझको युद्ध में मरा हुआ समझता था। जैसे क्रोधित विषधर नाग बिना विष के निस्तेज हो जाता है, वैसे ही वास्वी शक्ति अस्त्र खोकर वो भी निस्तेज हो गए हैं। फिर भी सारे देवता बाणों की वर्षा करके और दानव चारों ओर से अपने अस्त्र फेंक कर भी सूर्य पुत्र कर्ण को किसी तरह मार नहीं सकते। अर्जुन, आज इस रणभूमि में तेरे सिवा कोई भी कर्ण को मार नहीं सकता है, ऐसा श्री कृष्ण ने कहा था। कर्ण को अर्जुन से कमजोर मानने वाले जरूर इस बात को जाने। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कर्ण महादानी के साथ महाबाली भी था?
ये बात बहुत कम लोग जानते हैं कि कर्ण ने एक बार पूरी पृथ्वी को चार अंगुल ऊपर उठा लिया था। कर्ण ने अनजाने में अपने शब्दभेदी बाण से एक ब्राह्मण की गाय को मार दिया था, जिसके कारण उन्हें उस ब्राह्मण में एक श्राप मिल गया था। इस श्राप के कारण कुरुक्षेत्र की रणभूमि में अर्जुन के सामने महाभारत के अंतिम युद्ध में कर्ण के रथ का पहिया जब भूमि में धस गया था, तब कर्ण ने अपने रथ का पहिया निकालने के लिए बहुत कोशिश की थी। उस समय कर्ण इतना जोर लग गया था कि रथ के साथ साथ पूरी पृथ्वी चार आंगुल ऊपर उठ गई थी, लेकिन फिर भी रथ का पहिया भूमि से नहीं निकला था। सोचिए कर्ण के शरीर में कितना बल था कि वो पूरी पृथ्वी को चार अंगुल ऊपर उठा लिया था। दोस्तों, कर्ण क्यों बलवान ना हो, वो साक्षात सूर्य देव का पुत्र था, ऐसा हमारा मानना है। आप क्या मानते हैं? ऐसी रोचक बातें जानने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।